हेलो प्यारे दर्शकों, भारत में किलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कई राजाओं ने राज किया है और अपने राज की सुरक्षा के लिए किले बनवाए हैं। यहाँ ऐसे कई प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गाँव मुरुद में स्थित है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, जिसे मुरुद जंजीरा किला के नाम से हम जानते हैं। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले की खासियत यह है कि यह बीच समुद्र यानी कि अरब सागर में बना हुआ है। अगर आप कभी इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो आपको इसमें एक से बढ़कर एक रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे। इस रोचक रहस्यों में से एक कहानी भारत के इस अनोखे किले की है, जिसे कभी कोई नहीं जीत पाया। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हैरानी वाली बात यह है कि यह किला पानी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। इस किले को मुरुद जंजीरा किला के नाम से जाना जाता है। अरब सागर के बीच इस किले को देखने का आनंद अलग ही होता है। तो प्यारे दर्शकों, आज हम आपको इसी किले के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती है दर्शकों। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर के हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देन लेट गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, कुछ अली बाबा 40 चोर सी है इस किले की कहानी। मछुआरों ने समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए बनवाया था इसे। इस पर कब्जा करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन 330 साल तक कोई नहीं जीत पाया इसे। तो आखिर इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है कि इसे कोई नहीं जीत पाया? तो आइए हम आपको बताते हैं। मुरुद जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। कहते हैं कि ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, शिवाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे, चिंपाजी अंपा और संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने का काफी प्रयास किया, अथक प्रयास किया था, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजय किला कहा जाता है। जी हाँ दर्शकों, मुरुद जंजीरा किला का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। कहते हैं कि यही वजह रही होगी कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। जैसा कि आप किले के बाउंड्री को वीडियो में देख सकते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ है। इस किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 साल में हुआ था। 22 एकड़ में फैले इस किले में 22 सुरक्षा चौकियां हैं। यहाँ सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई हैं, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद है। यह किला 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह किला पंचपीर पंचातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में है। इस किले में मीठे पानी की एक झील है। समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद यहाँ मीठा पानी आता है। यह मीठा पानी कहाँ से आता है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। यह किला महाराष्ट्र में स्थित है, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड के पास एक द्वीप पर स्थित है, इसलिए इसे मुरुड जंजीरा किला नाम से जाना जाता है। अगर आप मुंबई से यहाँ जा रहे हैं तो आपको मुंबई से 165 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यहाँ तक जाने के लिए आपको राजपुरी घाट से इस किले तक नाव लेना होगा। अगर आप महाराष्ट्र के कोंकण तट पर यात्रा करने गए हैं तो यह किला अवश्य देखना जाए। इसका निर्माण सिद्दी सुराल खान के शासनकाल में पूरा हुआ था। किला 17वीं शताब्दी में जंजीर क्षेत्र के प्रधानमंत्री सिद्दी मलिक अंबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किले की
की दीवारें लगभग 40 फीट ऊंची बनाई गई थी। इन पर लगभग 22 गोल बुर्ज हैं। यहाँ आप कुछ तोपों को लाइव भी देख सकते हैं, जहाँ से किले के अंदर से हमला किया जाता था। इनमें देश की दूसरी सबसे बड़ी तोप कलाल बंगारी भी शामिल है। किला सुबह 7 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। किला बंद होने से कुछ देर पहले नाव मेन गेट पर रुकती है, इसलिए कम से कम 6 घंटे पहले यहाँ पहुँचे। किले के अंदर प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन समुद्र तट पर वाहन पार्क करने और वहां से नावों द्वारा इस किले तक पहुंचने के लिए शुल्क देना पड़ता है। पार्किंग शुल्क 30 रुपया है और टिकट की कीमतें नावों के आधार पर 20-50 रुपये के बीच है। समुद्र तट से 400 मीटर दूर इस किले तक पहुंचने के लिए नाव और नाटू नाव से यात्रा करनी पड़ती है। ये सफर सच में बेहद रोमांचक रहता है। यहाँ कोई भोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने साथ पानी और भोजन की व्यवस्था करके वहाँ पहुँचे। इसकी अजेयता का कारण ये भी है कि पुराने समय में पानी के रास्ते इस किले तक पहुँचना बेहद मुश्किल काम था, और जब कोई सेना इसकी तरफ बढ़ती थी तब किले में मौजूद सेना आराम से दुश्मनों को हरा देती थी। इस किले में मीठे पानी का जो झील है, समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद इस झील का पानी मीठा है। यह मीठा पानी कहां से आता है, ये आज भी लोगों के लिए रहस्य ही बना हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक पश्चिमी भारत का ये अकेला मजबूत किला था, जिसे ब्रिटिश, पुर्तगाली और मुगल भी नहीं जीत पाए थे। देश के कई हिस्सों के राजाओं ने भी इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई सफल नहीं हो सका। यही वजह है कि करीब 350 साल पुराने इस किले को अजय किला कहा जाता है। ये जंजीरा किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचाई पर बनाया गया था। अरब सागर पर बना ये किला सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। इसके नाम में ही इसकी खासियत छिपी हुई है। दरअसल जंजीरा अरबी भाषा के जजीरा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टापू। ये किला और पूरा इलाका कभी यहाँ के पूर्व सिद्ध के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। करीब 22 एकड़ में फैले इस किले का निर्माण 22 साल में पूरा हुआ था, और इसकी सुरक्षा के लिए 22 चौकियां थी। इस इलाके के आसपास रहने वालों को गर्व है कि वो इस विरासत को काफी करीब से जानते हैं। किले में 19 विशाल बुर्ज हैं, उन पर उस दौर की बेहतरीन तोपें लगी हुई हैं। ये स्वीडन, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड से लाई गई थी। कहते हैं कि इस किले की सुरक्षा के लिए करीब 514 तोपें थी। इनमें कलाल बांगाड़ी, लांडा काश्रम और चावरी नामक तोपें आज भी वहां मौजूद हैं। कलाल बंगारी तो बहुत दूर तक अचूक निशाना साधती थी। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने एक ऐसे किले के बारे में आपको बताया है जो कि अजय किला के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह जानकारी, यह इतिहास आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और अपना फीडबैक हमें जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें काफी मोटिवेशन प्रदान करता है। प्यारे दर्शकों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आपका सपोर्ट बना रहे। तो प्यारे दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।